नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट न्यूज। खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से, जहां मधुबन थाना क्षेत्र के घाघरा नदी के बीहड़ के गांव धर्मपुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान मारा गया बदमाश हरिकेश यादव चिरैया कोर्ट का बताया जा रहा है। कुछ लोग रानीपुर बता रहे हैं, अभी भी एक बदमाश को पुलिस नदी के किनारे सरपत में घेर रखी है। सूत्रों का कहना है कि किसी पुलिस को भी गोली लगी है। छिनैती हलधरपुर थाना क्षेत्र में होना बताया जा रहा है। बदमाश कार पर सवार थे एसओजी के, जो लोग हलदरपुर से ही पीछा कर रहे थे। सत्य क्या है कुछ देर में पता चल जाएगा। अभी तक इतनी ही खबर हमारे संवाददाता द्वारा दी गई है। आप देखते रहिए इंडिया पोस्ट न्यूज। खबरों का सिलसिला सर बताइए इसके बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट है कि खूंखार हिस्ट्री सीकर और अपराधी हरकेश उर्फ मास्टर, ये आज पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। इसको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पे मृत घोषित हो गया है। इसकी जान नहीं बचाई जा सकती, इसका हम लोगों को बहुत अफसोस है। इसका पूर्वांचल में मास्टर के रूप में काफ़ी नाम था और बहुत सारे अपराधियों को इसने प्रशिक्षित किया। लूट, हत्या और भाड़े पर हत्या, साथ ही साथ डकैती, ये इसका मुख्य पेशा बताया जाता रहा। इसके ऊपर 34 मुकदमे दर्ज हैं। पूर्वांचल के कई जनपदों में ये वांछित रहा है, घटनाओं में लगातार सक्रिय रहा है, शामिल रहा है। और आज सोमवार है और किसी बैंक को लूटने की योजना के तहत ये किसी पर्टिकुलर इलाके में एक्टिव था, क्योंकि चेकिंग बहुत प्रभावी तरीके से आज चल रही थी। इधर जो घटनाएं हुई उसको देखते हुए, जिसके कारण से कोई वारदात नहीं हो पाई, इसने पुलिस पार्टी पे कोपागंज में फायर किया, जिसके बाद में इसको चेज किया गया। पूरे जिले में नाकाबंदी हुई और बाद में इसको ट्रेस किया गया मधुबन में, जहाँ पर मुठभेड़ में एक्सचेंज ऑफ फायर में इसने बुलेट सस्टेन करी एंड ही कुड नॉट सकम टू इंजरीज और इसी दुर्भाग्य से मौत हो गई। क्या इनाम है? ये 1 लाख का इनामिया है और गैंगस्टर है और आपके जनपद का सबसे दुर्दांत और वांछित अपराधियों में से एक है। और ये जो माफिया तत्व हैं उनके लिए भाड़े पे हत्या का काम करता रहा है।